80,000 वर्ष पर आकाशे देखा जाई छी विरल दृश्य। आज भोर समय आम राज्य तथा तो देशर केतेक स्थान में अल्प समय पर देखा जाई छी C20 23A3 धूमकेतुटी जहाँ एक्सक्लूसिव फोटो आपण माने केवल ओटीवी रे देखुछंती। आज सामान्य दृश्यमान होइतिबा धूमकेतु को साधारण दूरबीक्षण और बाइनाकुलर रे देखा जाई पारिछि। खुशर कथा होछि जे एहा आसंता 15 रु 20 तारीख मध्ये पुणि थरे आकाश रे देखा जिवो और ताकु खाली आखिरे मध्ये देखा जिवार आशा करा जाउछि। आ मास शेष जाय खाली आखि को देखा जिवो बोली वैज्ञानिक माने आशा रखिछंती। आसंता 12 तारीख रे एहा प्राय 7 कोटी किलोमीटर दूरतारे थिबा पृथ्वी रो निकटतम स्थान को आसिबो। 15 तारीख संध्या 6:15 रे एहा पश्चिम दिग्बलर प्राय 16 डिग्री उपरे देखा जिवो। तो यार कौन विशेषत्व जहाँ उज्जवल देखा जिवो नहीं किंतु खाली आखि को देखा जिवो ए संपर्क में आलोचना करबा हम सहित महाकाश विज्ञानी शुभेंदु पटनायक उपस्थित अछि। शुभेंदु पटनायक, उज्जवल देखा जिवो नहीं किंतु खाली आखि को यहाँ देखा जिवो, यार प्रकृत में विशेषत्व कौन? देखो धूमकेतु गुड़िक गोटे गोटे पिंड जोटा कि आम महाकाश रही प्रत्येक वर्ष किसी धूमकेतु आम सूर्य निकट को आता कि सूर्य निकट में पहुंचे तार गोटे बड़ लाज सृष्टि जहाँफल कि आम पृथ्वी देखिपरू किंतु एगुड़िक देखा एत सहज नुहे जदि धूमकेतु टे बड़ हुए तो केवल खाली आखिर देखा जाए प्रत्येक वर्ष किसी धूमकेतु आसा ए बर्षर जो 2023 मसीह जानुरी मस तृतीय नंबर संख्यक धूमकेतु आविष्कृत हो तो से ना रखा जाए C20 3A3 तो ताकू आम खाली आखिर देखार संभावना बहुत रही कहते 15 तारीख रु 20 तारीख भितर निश्चिंत भाव में पश्चिम दिगरे संध्या परे परे खाली आखिर देखिए हम गोटे लंबा लाज थी आम फटो जमी देखुचे हम तो से नई पारे कि खाली आखिर को स्पष्ट दृश्यवान हम बहुत गुड़े धूमकेतु रही कि जोड़ाक आगु खाली आखिर देखा जमी कि हेलबप नामक गोटे धूमकेतु 1999 मसीह देखाई पुणी किसी वर्ष तले देखाई आ गए न्यू वाइज नामक धूमकेतु से गुड़िकार भारत में खाली आखिर देखाई तेनालीटा गोटे सुजोग आसी प्रायत अक्टोबर मसरे आकाश मेघमुक्त रही थी से समय तेणु जो मैंने आग्रह समस्ते खाली आखिर देखिपर 15 रु 20 तारीख जहाँ पाखे छोट दूरबीक्षण जंत्र रही बाइनाकुलर रही माध्यम स्पष्ट भाव में देखा कि संध्या समय देखा खूब कम समय देखा तेणु आमको पूर्व प्रस्तुत ही रही दरकार आई समय देखा दरकार। ओके सुत पटनायक, 80,000 वर्ष पर एमती गोटे विरल धूमकेतु देखा जिवार किसी कारण थी पारे? देखो धूमकेतु जिते गुड़ी आसूची तार सब आम कक्षपथ आकलन कराए किसी धूमकेतु कक्षपथ एत छोट था प्रत्येक 50 वर्ष 100 वर्ष 200 वर्ष ये सब आसते हैं यही जो धूमकेतुटी से 80,000 वर्ष सूर्य चारिपटे बुलू तेना प्रत्येक 80,000 वर्ष पृथ्वी निकटवर्ती सूर्यर निकटवर्ती हम जमी कि हाली नामक गोटे धूमकेतु से 76 वर्ष सूर्य चारिपटे बुलू तो प्रत्येक 76 वर्ष थे देखी पार्छे तेणु हाली धूमकेतु बहुत फेमस धूमकेतु जोटा खाली आखिर बहुत देखा जाए सेमती किसी धूमकेतु अच्छा जो मैंने कि 2000 वर्ष 5000 वर्ष थे पृथ्वी चार सूर्य चारिपटे बुलू तो से सूर्य निकट में आसिले ही आम देखी पार बहुत गुड़े धूमकेतु अच्छा थे आसी पलि जाते आसती ना तो सेमती किसी धूमकेतु अच्छा एवं लक्ष लक्ष संख्यक धूमकेतु रही गोटे स्थान रही ऊट पादल बोली कहचे आम प्लूटो ठार बहुत दूर से बाहरी से सूर्यर निकटवर्ती पुणी फेरी जाइए तो यही धूमकेतुटी जेहेतु तार बुलवा पीरियड हूँ 80,000 वर्ष तेना 80,000 वर्ष थे यहाँ आसो तेणु 80,000 वर्ष पर तो आम कहीं ना कि तार पीरियड कैलकुलेशन कर 80,000 वर्ष। सुत पटनायक, धीरे धीरे अस्त हो अर्थ यार पृथ्वी प्रति कौन सी विपद ना तो देखो अस्त हूँ जो जिनसटी आम कहे अस्त हार कारण हूँ आम पृथ्वी टाइम निज अक्ष चारिपटे बुलू तो जेमती सूर्य उदय हो अस्त हो चंद्र उदय हो अस्त हो जा ठीक सेमती जेहतु आम बुली जाऊ प्रकृत सी तार अलग बाटर जामको पृथ्वी देखा जाए अस्त हो किसी समय संध्या पर संध्या पर आम जो देखा प्रथम दिन अति बेस 40 मिनिट पर्यंत देखा 15 तारीख बेलू तापर धीरे धीरे 10-15 मिनिट अधिक 20 तारीख को पाखापाखि 1 घंटा समय सूर्यास्त पर देखिपर मैंने 6:30 रु 7 देखने घंटाटे पर्यटन देखिपर आज जो अस्त हूँ कहते हैं प्रकृत पृथ्वी गति जो आम अस्त बोली देखिपे आ तार कौन प्रकार प्रभाव आम उपर ना के ना
ତେଣୁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମର ତ ଲୋକ କଥା ରହିଛି, ଧୂମକେତୁ ପଡ଼ିଲେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବ, କିଛି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାହାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ବା ସେଭଳି କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ओके ଶ୍ରୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ 15-20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସମାନ ଆକାର ଏବଂ ସମାନ ସ୍ଥାନ ରହିବ, ନା ପ୍ରକୃତରେ ୟାର ଦିଗରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ 6:30 ବେଳେ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଠିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଠି ଅସ୍ତ ହଉଥିବ ତା ଉପରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 12 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଦେଖାଯିବ। ତା ପର ଦିନ ଠିକ ସେଇ 6:30 ବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ପ୍ରାୟ 16 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ, ମାନେ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଦେଖେ। ତାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଗିବ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ। ତା ପର ଦିନ ପୁଣି ଆହୁରି 4 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ, ତ ଏଇଭଳିଆ କ୍ରମରେ 20 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ସେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଦେଖେ। ତ 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ ଅସ୍ତ ହେବା। ତେଣୁ ଏଇଟା କେବଳ ତାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଛୋଟ ହେଇକିରି ମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆମ ଖାଲି ଆଖିରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ହଉ ବା ବାଇନୋକୁଲାର କିଛି ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ। ଆମ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଧୂମକେତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ସେ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖିଥିବା।